जिम्नास्टिक मूव सीखने के लिए किए जाने वाले कुछ वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। नंबर वन, नेक एक्सरसाइज, लेफ्ट एंड राइट रोटेशन। अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट में रोटेट करें, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट बेंडिंग। अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट में बेंड करें, ये आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। अपने गर्दन को आगे की तरफ और पीछे की तरफ बेंड करें धीरे धीरे, बहुत ही आराम से करना है आपको, ताकि आपको चोट न लगे। उसके बाद अपने गर्दन को रोटेट करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं 5 से 10 बार, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 5 से 10 बार रोटेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो गर्दन की नसें हैं वो फ्री हो जाएगी, तो बाद में कभी लचक वगैरह नहीं पड़ेगा। उसके बाद शोल्डर रोटेशन। आप अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, ये आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको शोल्डर को रोटेट करना है, जिससे आपके शोल्डर फ्री हो जाए मूवमेंट करने के लिए। उसके बाद अपर बॉडी लेफ्ट एंड राइट रोटेशन। ये आपको इसलिए करना है ताकि आपकी जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल बन जाए, मूवमेंट इजीली हो पाए। उसके बाद वेस्ट बेंडिंग। आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, अपने बॉडी को 90 डिग्री में बेंड करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में 5 से 10 बार ये आप कर सकते हैं। उसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग। आपको अपने कमर को पीछे के साइड में बेंड करना है, आप ये 5 से 10 बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी जो वेस्ट है वो पूरी तरह से बहुत ही फ्लेक्सिबल हो पाएगा, मूवमेंट इजीली हो पाएगा इसमें जब भी आप फ्लिप्स करेंगे तब। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट बेंडिंग्स। ये बेंडिंग बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों, ताकि आप जब भी कार्टव्हील वगैरह मूव्स करते हैं तो आपको साइड में बेंड होना पड़ता है, आपकी बेंडिंग इजीली हो पाए इसके लिए ये लेफ्ट एंड राइट बेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वेस्ट रोटेशन। आप अपने कमर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 से 10 बार रोटेट करें, फिर वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वही मूवमेंट फिर से करें 5 से 10 बार, जिससे आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। उसके बाद हाई नीज। अपने लेग को 90 डिग्री में फोल्ड करके उठाना है, ये 10 से 20 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड लेग रेज। अपने पैरों को सीधा रख के 90 डिग्री पे रेज करना है, उठाना है, ये भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं, ताकि आपके पैरों की जो स्ट्रेचिंग है वो हो पाए। उसके बाद बैकवर्ड बॉडी स्ट्रेच, जिसे ब्रिज भी कहते हैं, ये आप स्पाइन की फ्लेक्सिबल, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। ये फ्लिप में भी आपको बहुत मदद देता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करें करके। उसके बाद फॉरवर्ड बॉडी स्ट्रेच। अपने हाथों को ऊपर लेके जाके नीचे आए और फिंगर को ज़मीन पे टच करें, और कुछ सेकंड्स के लिए 5 या 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, ताकि आपके जो पैरों की नसें हैं वो फ्री हो सके। उसके बाद फिर से वही चीज़ करें, लेकिन इस बार अपने हथेली को ग्राउंड पे टच करें और 5 से 10 सेकंड्स तक होल्ड करें। उसके बाद थोड़ा और आगे मूव करें। आपको इस बार अपने हेड को नीज तक टच करना है और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो लेग है उसकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद कुछ जंप्स है। जिम्नास्टिक मूव्स में जंप्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहला है टो जंप। इससे आप हाइट लेते हैं, अपने बॉडी को हाइट ले पाते हैं, ये टेक ऑफ होता है वो इजीली आप कर पाते हैं, तो ये टो जंप बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है टक जंप। जिम्नास्टिक में आप जब भी हाई लेवल के मूव्स करते हो या एडवांस मूव करते हो तो टक जंप बहुत ही ज़रूरी होता है उसमें, ये आपको एयर में स्पिन होने में बहुत मदद करता है। तो टक जंप 5 से 10 बार आप करें। उसके बाद है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप। ये जंप आपको जब भी आप एडवांस मूव करते हैं तो आगे और पीछे
जब भी आप जंप करते हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर करना बहुत जरूरी होता है।